हाथ में आम है और सीजन है समर, तो मुझे लग रहा है कि आज मैं कुछ आम के साथ कुछ अच्छा सा यमी टेस्टी डिज़र्ट बनाऊं। आम के साथ क्या डिज़र्ट बन सकती है? बर्फ़ी? नहीं, बर्फ़ी तो नहीं बना रही हूँ आज, बनाऊंगी बिल्कुल एक दिन, बट आज नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं रसमलाई बनाऊं आम का, तो मैंगो रसमलाई। जैसे मैंने रसमलाई बोला तो आपको लगा होगा कि मैं पनीर के साथ बना रही हूँ रसमलाई, बिल्कुल नहीं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके का एक मैं बहुत ही यम्मी रसमलाई आपको दिखाऊंगी, वो बनेगा आज मिल्क पाउडर के साथ। हाँ जी, मिल्क पाउडर के साथ। तो चलो शुरू करते हैं मैंगो रसमलाई। तो दोस्तों, वेलकम टू रत्नस किचन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। टुडे आई एम गोइंग टू शो अ ब्यूटिफुल यम्मी डेजर्ट, वेरी क्विक एंड ईजी, मैंगो रसमलाई। So let's start the process. So ये लीजिए, ये ingredients है आज मैं यूज कर रही हूँ रसमलाई के लिए। यहाँ पे मैंने ली 1 कप मिल्क पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, और यहाँ पे है सैफ्रॉन और ग्रीन इलायची, बादाम यूज कर रही हूँ, अंडा तो यूज़ कर रही हूँ, एक अंडा यूज़ करूँगी 1 कप पाउडर के लिए, एक अंडा यूज़ करूँगी। पिस्ताशियो है, बहुत ही मस्ट है पिस्ताशियो इसके लिए। दूध तो है यहाँ पे, बिल्कुल दूध के बगैर तो रसमलाई बनती नहीं है। और मेरे पास देखो दिस ब्यूटीफुल मैंगो भी है, और 1 टेबलस्पून सूजी ली हूँ मैं यहाँ पे। सूजी इसीलिए डालती हूँ ताकि इसके अंदर जो स्पंजीनेस आएगा सूजी के साथ आएगा। तो चलो शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। तो मैंने ये अर्थन पॉट रख ली, मैं इसी में बना रही हूँ। अर्थन पॉट में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी स्टील वेसल में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं अभी दूध डाल रही हूँ, पहले इसे अच्छा सा उबाल लेंगे। करीब आधा लीटर दूध मैं डाल रही हूँ। तो मैंने दूध उबलने के लिए रखती हूँ स्टोव के ऊपर। सो जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट में आएगा तब मैं शुगर ऐड करने वाली हूँ। तो तब तक ये बॉइलिंग पॉइंट में आए, मैं रसमलाई के लिए हम बना देते हैं मिल्क पाउडर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स फॉर रसमलाई। तो ये लीजिए, मैं रसमलाई की तैयारी करेंगे। फिर यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप का मिल्क पाउडर। तो इसमें मिल्क पाउडर में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सूजी, कोर्स सूजी ली हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें अभी डालने वाली हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, बस 1/4 स्पून ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसमें डालती हूँ मैं अभी, इसे पहले मिला देते हैं अच्छा सा। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 अंडा, बस ओनली 1 egg बॉन्डिंग के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये लीजिए, अच्छा सा डाव बन गया है। हम इसे अभी 5 या 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ा बहुत ड्राई होने वाला है, ये बहुत ड्राई हो जाएगा। तो वी विल लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। सो मिल्क तो बॉईल हो रही है अभी, तो इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ 1/2 कप शुगर। बिल्कुल कम ही डालना है शुगर, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होती है वो बहुत स्वीट होती है।
तो इसमें ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है दूध में, जस्ट आधा कप शुगर इज़ इनफ, मोर देन इनफ। तो इसे भी अच्छा सा डिज़ोल्व कर देते हैं। सो मिल्क अभी बॉयल हुआ है तो इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन कार्डमम जो हमने पाउडर करे हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम घी ऑन माई हैंड। ये लीजिए, देखिए ये कितना ड्राई हो गया है। सो दिस इज़ हाउ इट बिकम्स वेरी ड्राई। सो हम इसे अच्छा सा एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जो भी हम बना रहे हैं रसमलाई का पट्टी वो डबल द साइज़ होने वाला है जब जैसे ही वो हम बॉइलिंग मिल्क में डालते हैं, तो उसके हिसाब से आप गोल गोल बनाइएगा। तो मुझे ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो ये लास्ट पट्टी डाल रही हूँ मैं इसमें रसमलाई। तो अभी एक दो मिनट मैं बस उबलने दूँगी, ज़्यादा नहीं दूँगी। तो क्योंकि अगर ज़्यादा देर हम इसे उबलने को छोड़ेंगे तो रसमलाई फटने के चांसेस हैं। तो बस एक दो मिनट मैं इसमें छोड़ दूँगी। और इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ पिस्ताशियो, ग्राउंडेड पिस्ताशियोस खूब सारा। और मैं डालने वाली हूँ सैफ्रॉन, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा एंड टेस्ट एंड द फ्लेवर इज़ वेरी ऑसम। और मैं इसमें डालने वाली हूँ आलमंड का पाउडर, ये बहुत ही थिकनेस लेकर आएगा दूध का। So you will taste is going to be amazing with the almond flour. By adding almond flour, it's extra taste you are creating. And then I'm just going to be very gentle, not to mix too much. And now I'm going to turn the stove off. अभी मैं stove off करने वाली हूँ, थोड़ी देर 5 मिनट मैं इसे cool होने दूँगी, फिर मैं add करने वाली हूँ mango pulp, यहाँ मैंने ready रख ली। तो लीजिए अभी 5 मिनट हो गए, तो मैं मैंगो पल्प ऐड करने वाली हूँ मिल्क में। मैंने 1 मैंगो ऐड करी, 1 कप मिल्क पाउडर के लिए बस 1 मैंगो बस है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको मैंगो की फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अपनी अपनी टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो लेट मी जस्ट प्लेट दिस अप, मैंगो रसमलाई इज़ रेडी। सो इसे आप मिनिमम 1 घंटे तक फ्रिज में रखिएगा बिफोर यू सर्व इट। सो लेट मी जस्ट प्लेट दिस अप। थोड़ा सा पिस्ताशियो डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा सा आलमंड्स, तो ये लीजिए दोस्तों मैंगो रसमलाई आपके लिए तैयार है। इट्स रियली टेस्टी एंड यमी होगा। प्लीज़ लीव इट इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट फॉर 1 आवर मिनिमम, ताकि रसमलाई इज कंज्यूम्ड व्हेन इट्स नाइस एंड कोल्ड। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी बगैर पनीर के साथ रसमलाई बनाना आपको पसंद आया, और आप ही देखे हो कितना इजी और कितना इजी कम टाइम पे ये बन गया है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग रत्नास किचन। आई बी कमिंग बैक विथ मेनी मोर एक्साइटिंग रेसिपीज। दिवाली भी आ रहा है तो बहुत सारे मैं डिज़र्ट्स एंड स्नैक्स के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए
आ जा दीजिए। आई विल सी यू सून।